नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, आईबी का जो एग्जाम हुआ था 15 अक्टूबर का, उसका मेरे पास पेपर आ चुका है और ये भेजा है हमको मोतीलाल जी ने और अर्पित सिंह जी ने और शिवम चौधरी जी ने। इन्होंने हमको पेपर तुरंत भेजा है। देखिए, इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, जो पेपर आ जाया था इसमें जितने भी क्वेश्चन है, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला है वो थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है। जीके वाला जो पोर्शन है, जीके प्लस जो जीएस जो करंट अफेयर वाला था, वो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट बोलेंगे। और कई सारे क्वेश्चन जैसे वन लाइनर जो करंट अफेयर में बताया था उससे आए थे डायरेक्टली, और कुछ क्वेश्चन वेग भी थे, अभी हम देखते हैं उसमें कुछ क्वेश्चन करके। और प्लस जो रीजनिंग वाला था पेपर, वो भी काफ़ी ठीक था, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। इंग्लिश वाला जो पेपर है, आप इसको भी बोल सकते हैं ईजी टू मॉडरेट। तो ओवरऑल पेपर था तो ईजी टू मॉडरेट, लेकिन लेंदी था काफ़ी। देखिए, एवरेज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं आज, बहुत सारे एवरेज के क्वेश्चन पूछे हैं। टोटल पेपर मैं अभी इसको शेयर कर दे रहा हूँ टेलीग्राम में, आप इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसमें कुछ क्वेश्चन जीएस वाले डिस्कस कर देता हूँ, जो कि देखिए ये एवरेज वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन ये, ठीक है, एवरेज आपको दिया हुआ है 80 मोबाइल का 30,000 रुपये, और हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस दिया हुआ है, और प्लस आपको निकालना है ये कॉस्ट ऑफ लोएस्ट प्राइस मोबाइल। मतलब काफ़ी सारे एवरेज के अगर आप देखें तो एवरेज का फिर आ गया, फिर ये एवरेज का आ गया, इसमें अभी हम पूरा सॉल्व करेंगे इसको, फिर ये एवरेज का आ गया, ठीक है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी एक दो दिन पहले ही कराया था आपको, कि अगर एक कॉन्फ्रेंस है और सब लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो 10 लोग हैं तो कितने हाथ मिलेंगे। ये मैंने कितना बताया था, 13 लोगों में बताया था, यहाँ कितना पूछा है 10 लोगों में। तो ये डायरेक्टली वही क्वेश्चन है, 10C2 आपको लगाना है और आंसर आ जाएगा 45। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। और बाकी अभी देखिए, अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करके बताता हूँ। पहला पार्ट है, पहले मैं इसमें जीएस बता देता हूँ। जीएस के क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो इतने इजी टू मॉडरेट ही थे। देखिए, कई सारे क्वेश्चन तो हम डायरेक्टली अभी कर देते हैं आपको। ये देखिए क्वेश्चन, जैसे यहाँ से मान लीजिए आप चालू करिए कि 2017 की इंडिया एशियान यूथ समिट कहाँ पे हुई थी। ये भोपाल में हुई थी। वन लाइनर जीके का जो एक साल का करंट अफेयर है उसका डायरेक्टली क्वेश्चन है ये। फिर उसके बाद है अंडर प्रोजेक्ट नाविका सागर परिक्रमा, इसमें जो ये कमेंट्स हुई है 2 सितंबर 2017 में, इसमें एक टीम भेजी जा रही है वुमेन ऑफिसर्स की, इंडियन नेवी की, कि वो पूरा सरकम नेविगेट करेंगी, पूरा विश्व के जलमार्ग की परिक्रमा करेंगी वो। ये किसके अंडर में, ये INSV तारिणी है ये। ये लेटेस्ट न्यूज़ है, ये नहीं बताई थी मैंने, ये अभी सितंबर की न्यूज़ है करीबन। उसके बाद है कि अगस्त 2017 में किस एशियन कंट्री ने पहली साइबर कोर्ट अपनी स्टार्ट की थी। ये चाइना ने की थी, ये वन लाइनर का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। उसके अलावा देखिए, पावर ग्रिड ने अभी कहाँ से लोन लिया है ये पूछा गया था, $500 मिलियन का, तो ये ADB से लिया है, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। कई सारे क्वेश्चन हम इसमें बता चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, कौन सा क्रिकेटर अभी भी नंबर वन पे बना हुआ है, जो लेटेस्ट ICC ODI रैंकिंग है उसमें विराट कोहली है। उसके अलावा देखिए, किसने सिल्वर मेडल जीता था फर्स्ट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स जूनियर चैंपियनशिप में, रिंकू हुडा ने जीता था। ये देखिए वही वन लाइनर के, मतलब उसी वीडियो से कई सारे क्वेश्चन आ गए हैं, 5-6 क्वेश्चन तो उसी से आ गए हैं डायरेक्टली। फिर ये एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, रिक्विजनिंग और एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये पूछा है कि किसका अमेंडमेंट है, ये 1952 का अमेंडमेंट है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन पूछा है, देखिए ये वाला क्वेश्चन भी मैंने बताया था आपको जुलाई में, मतलब ये वाला जिसने वीडियो देखा होगा ना, लास्ट वन लाइनर लास्ट वन ईयर करंट अफेयर, उसका बहुत फायदा हुआ होगा आज पक्का। उसकी PDF भी मैंने दे दी थी इसीलिए। ये कहाँ पे किया गया, ये आंध्र प्रदेश में किया गया है इंट्रोड्यूस, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल क्या है एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज का, ये है डोडो। फिर उसके बाद है, कौन सा सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करता है डायरेक्ट फैशन में सनलाइट को, ये दोनों ही आंसर होगा, फोटोवोल्टिक और ये सोलर थर्मल सेल। उसके बाद है ये WWW, ये एक्चुअली वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म है ये, ठीक है, ये इसका आंसर होगा बी। IPv6 का कितना साइज है, ये 128 bit का, ये SSC CGL का क्वेश्चन है ये। कुछ क्वेश्चन आए जरूर SSC CGL के। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसको रिकॉग्नाइज करता है ये पूछा था, इतना आइडिया तो रहता ही है आपको, रिलीजियस इथनिक और लिंग्विस्टिक सभी माइनॉरिटीज को करता है ये। फिर किसने ये पूछा था कि किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदुओं को ये किया गया था, जॉब दी गई थी, रोजगार दिया गया था, औरंगजेब है इसका आंसर। उसके बाद मनसबदारी सिस्टम, देखिए ये भी SSC CGL का क्वेश्चन है, मंगोलिया से लिया गया था, बताया था मैंने कई बार, PDF में भी आपने देखा होगा। ये है कि किसने 8 दिल्ली सुल्तान को देखा है, ये आमिर खुसरो, ये भी SSC CGL का क्वेश्चन है ये।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो सुप्रीम कोर्ट को अयोध्या इशू किया था, ये किसके अंडर में किया, किस आर्टिकल के अंडर किया था? आर्टिकल वाला क्वेश्चन है 143 आर्टिकल, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल की लिस्ट बताई है उसमें आपको बताया था। ये वाला क्वेश्चन मैंने कल ही बताया था आपको, राइट टू प्राइवेसी अगर पूछा जाएगा आपसे तो वो किस राइट के अंदर आएगा? आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखिए आपको बिल्कुल याद होगा, अभी मैंने कल परसों जो रिवीजन कराया था उसी में ये मैंने खास बताया था कि राइट टू प्राइवेसी को इंक्लूड कर लिया गया है, तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस आर्टिकल के अंदर है। तो 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये कि दो सेशन के बीच में पार्लियामेंट में 6 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। इन्फ्लेशन के लिए 4 स्टेटमेंट दिए, वो पूछा है इसमें से कौन सा है। देखिए पहला स्टेटमेंट है कि कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इंडिया ऑफ इंडिया, ये गलत है। रिजर्व बैंक का कोई रोल नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि रिजर्व बैंक की तो मेन इन्फ्लेशन का ही तो टारगेट है रिजर्व बैंक का। अब इसमें पूछा है कि कौन ये कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को, तो डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन वाला होगा, सी आंसर होगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये नंबर जो इंडस्ट्रियल वर्कर का, ये यूपीएससी का ये क्वेश्चन है डायरेक्टली, यहाँ भी रिपीट करके पूछ लिया है, लेबर ब्यूरो करता है ये। गोल्डन रिवोल्यूशन डायरेक्टली, ये मैंने बताया था आपको कल, रिवोल्यूशन सब हनी और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड होता है, तो ये हॉर्टिकल्चर है इसका आंसर। कंट्री एक डेब्ट ट्रैप में है तो इसको क्या मतलब है, कब कहा जाएगा ये, जब इसको बोरो करना पड़ेगा इंटरेस्ट इवन देने के लिए भी, तब उसको बोला जाएगा डेब्ट ट्रैप में, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। जीएसटी से रिलेटेड जो मैं वीडियो बनाया था, थोड़ी इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होती है इसमें, कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट है ये बताना है। रिड्यूसिंग रिड्यूसेस कास्ट कटिंग इफेक्ट, ये बिल्कुल सही है। कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट इंडेक्स, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2 तो बिल्कुल सही है इसमें, ठीक है। तो यानी कि आपका सी वाला और बी वाला तो नहीं होगा, या तो ए होगा या डी होगा। अब इसमें बोला है कि अल्कोहल एंड पेट्रोलियम आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, ये वाली तो बात बिल्कुल सही है, इसीलिए तो कई सारा विवाद होता रहता है। तो 4 वाला भी सही है, तो 1, 2, 4 है, मतलब डी वाला आंसर उसका होगा। इसके बाद है इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों होता है जनरली। देखिए ये तो ऑयल और पेट्रोलियम के इम्पोर्ट की वजह से ही होता है ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद ये नंबर ऑफ स्टेट लाइन है, ये थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और जीएस के क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, बाकी ये वाले करेंगे अभी। जीएस वाले क्वेश्चन देखिए, मैंने कई सारे क्वेश्चन मैंने देखे और मतलब आंसर मुझे याद थे, क्योंकि वो सब में वन लाइनर वाले में बताए थे उसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन ये जो पेपर है ये कट ऑफ के लिए अभी मैं थोड़ा और एनालाइज कर लूँ, लेकिन जैसे लोगों से बात हुई जिन लोगों ने बोला है कि लेंथी पेपर जरूर था थोड़ा सा, ये जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड वाला, बाकी जीएस तो इजी टू मॉडरेट ही आई थी, जीएस जी के इंग्लिश भी इजी टू मॉडरेट आई थी, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल मतलब अगर आप देखें तो अच्छा खासा इसमें ये आप अटेम्प्ट कर सकते थे, जीएस वाला पहले प्लस जीके वाला और प्लस रीजनिंग वाला। अभी मैंने जीएस वाले क्वेश्चन पूरे बताए हैं आपको, देखिए इतनी जल्दी मैंने बता दिए क्योंकि ये कई सारे क्वेश्चन याद ही हैं मुझे लगातार, ठीक है। तो आप वन लाइनर जिसने देखा होगा उसको बहुत फ़ायदा हुआ होगा, बिल्कुल आप थोड़ा सा एक्नॉलेज करिएगा यहाँ पे कि आपको फ़ायदा हुआ था कि नहीं हुआ था। और दूसरा पार्ट मैं अभी जल्दी बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, और ये मैं जो पेपर है ये मैं अभी तुरंत टेलीग्राम में शेयर करता हूँ।